अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर। आऊँ आया सूरज कुमार। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप यूएसए वेस्ट इंडीज़ की मेज़बानी में हले तो भाई, एक ज़बरदस्त मुकाबला ॾिसण में आया। सबका पहली जगह कल जगह मुकाबला थे यूएसए कैनेडा विच में, जो यूएसए आसानी से 98 ओवर में जो मैच खत्म कर उन वेस्ट इंडीज़ एक वन साइडेड मैच खटो अगेंस्ट पीएनजी पपुआ न्यू गिनी। उन अज मुकाबलो तो नामीबिया जो बा आसानी खटो ओमान के खिलाफ। हाँ जो शाम जो मुकाबलो अज वो श्रीलंका साउथ अफ्रीका के विच में एक टेस्ट प्लेइंग नेशन के विच में हाँ जो मुकाबलो शाम जो वो इंट्रस्टिंग होंद तमाम घणो, साउथ अफ्रीका फेवरेट करार दिनी हुई है उन प्लेयर भी तमाम सुटा श्रीलंका भी जो है स्पिनर्स या गड आई है इन पिचेस जो है स्पिनर्स के सपोर्ट मिले भी अजा तीन असो दिठो है। तो हाँ ये कॉन्टेस्ट जो अजवारो वो भी तमाम बेहतरीन थन्द पाकिस्तान जो तैयार वो भी भरपूर जारी हैं। इंट्रा स्क्वाड मैचिस जो पाकिस्तान खेले थी पी पान जो है वार्म मैचिस को खेडा इंग्लैंड में वही पा मैचिस पे खेडा उतने जो ब मैच में बारिश थी ब मैचों इंग्लैंड खेड खटे वरतू। हाँ जो जनाब पाकिस्तान जो है इंट्रा स्क्वाड मैचिस खेडे पी जैमें कोचिस भी गुड पे खेडन, अजहर महमूद वाब रियाज भी गुड खेडन पे था। पाकिस्तान पैंजी कंबिनेशन के ट्राई भी करें होपफुली जो पाकिस्तान जो छह जून वो मैच घट में घट खटे अगेंस्ट यूएसए। यूएसए एक बेहतरीन टीम नजर आई कल अगेंस्ट कैनेडा, पर अज वारी मैच से गाल कहते श्रीलंका साउथ अफ्रीका के विच में ओवरऑल पाकिस्तान जो तैयार किथे पहुंचून पैरी मैच लाए उन भी गाल कंबिनेशन हों ओपनर केर खेड मिडिल ऑर्डर में केर खेड आजम खान एक दफो बेर चांस मिलो या न उन भी गाल कहते पैट कमिंस का जैसे सवाल किया हो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस का जैसे सवाल किया तो तीन जो प्रिडिक्शन चार कड़ी टीमों जो सेमीफाइनलिस्ट होंद उन जनाब ऑस्ट्रेलिया होंगी बाकी असा खबर को बाकी हुजन या न हुजन ऑस्ट्रेलिया तो होंगी सेमीफाइनल चाहूँ था पाकिस्तान तो होंगी सेमीफाइनलिस्ट बाकी हुजन या न हुजन। जनाब शोएब रहमान साहब असा गड उनसे गाल शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज सर? क्या हाल है सूरज? ये तुमने बड़ी अच्छी बात याद दिला दी, मैं भी देख रहा था, तुमने भी देखा कि पैट कमिंस से जब सवाल करते हैं ना कि जनाब वो कौन सी चार सेमीफाइनलिस्ट टीम है, तो उसने कहा एक तो ऑस्ट्रेलिया, तो उसने कहा अच्छा दूसरी तीन टीमें कौन होंगी, तो उसने कहा उसकी हमें आई डोंट बाकी बाहर में तो कोई भी आए हमें इससे फिक्र नहीं। तो ये एतमाद बताता है कि यार वो कितने पूरे एतमाद लोग हैं, तो वो खुद को तो देख रहे हैं। अच्छा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट भी ऐसी खेल रहे हैं, इसे नहीं हमें भी 30-35 साल हो गए देखते हुए क्रिकेट, नो डाउट उन्होंने हर अशरे के अंदर बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। एक बड़ा उनका फैक्टर होता है कि वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। अभी वर्ल्ड कप से पहले हमने देखा था फाइनल से पहले उनसे जना पूछा गया कल की क्या स्ट्रेटजी है, उन्होंने कहा मैं इंडियन क्राउड को चुप कराना जानता हूँ, यानी मैं ऐसी क्रिकेट खेलूंगा वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। उन्होंने किया भी फाइनल में, उन्होंने जब जवाब दिया था ना फाइनल के अंदर वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो ये बात हुई थी बिल्कुल बिल्कुल कि जनाब हम उनको चुप कर देंगे, चुप कर देंगे और करा भी दिया और बिल्कुल उन्होंने छक्के मार मार के। अच्छा एक चीज और देखो कि जब वो वर्ल्ड कप के अंदर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो रहा था, तो आप देखें उसमें जो साइड मैचेस हो रहे थे ना उसमें ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, एक मैच जीता था पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जीता था और मैं हार रही थी, मगर जैसे ही उनका टीम इवेंट शुरू हुआ, लेकिन इवेंट में भी शुरुआत में कोई खास उनकी नहीं रही थी मैच, इंडिया के खिलाफ हार गई एक मैच में, इंडिया के खिलाफ हार गई थी और एक और मैच भी मेरे ख्याल से कम छोटी टीम से हार गई थी, एक मैच अफगानिस्तान के खिलाफ ऑलमोस्ट हार गई थी वो मैक्सवेल की इनिंग आपने देखी, वहीं से तो फिर ऑस्ट्रेलिया वहीं से पिक कर दिया, हाँ मोरल बूस्ट हुआ था तो वो तो फिर उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया बिल्कुल सही तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है हमेशा से बड़ी सुपर फिट रही है, एक से एक खिलाड़ी उन्होंने पैदा किए हैं इसमें से। और अब हम बात करें जिस तरह वर्ल्ड कप के जो है ना तकरीबन तीन मैचेस के रिजल्ट आ चुके हैं हमारे पास, सही बात, अपना ऑस्ट्रेलिया अपना मैच जीत चुकी है, नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं वेस्ट इंडीज कल जीत गई, वेस्ट इंडीज अपना मैच जीत गई है। अब जो शाम के अंदर मैच है वो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, जिसमें मेरी प्रोडिक्शन कल भी यही थी आज भी यही है कि ये साउथ अफ्रीका मेरा ख्याल है कि आसानी से जीत लेगी, और ये आपकी ऐसी प्रोडिक्शन होगी जो कि सही होगी मुझे लगता है, सही मैं भी जा रहा हूं साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान के अंदर तो यार हमारी एक वो मुबन सी उम्मीद कह लो, ख्वाहिश कह लो कि हम उसको कैसा भी हो तज्जिया हम देखते हैं कि यार पाकिस्तान कहीं से जीत जाए, बहरहाल वो हमारी ख्वाहिश वो उम्मीद जो है ना हजार ख्वाहिश ऐसी यार ख्वाहिश में दम लेके बहुत दम लेके फिर भी कम नहीं हमारी क्रिकेट में, हमारी क्रिकेट में इससे पहले जो हम सोचते थे हम 70-80% हमारी टीम वो करके देती थी, सही बात है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है हर जगह से कि पाकिस्तान को ये पिचेस जो है सपोर्ट करेंगी, ये कंडीशन जो है स्पिन फ्रेंडली होंगी, हर जगह से तो कहा जा रहा है मगर अब किस से, और बहरहाल मैं इस चीज को कहता हूं कि टीम को पॉजिटिव लेना चाहिए। अच्छा ये जो डेलास वाली जो पिच है वो बड़ी शारजा टाइप ऑफ पिच थी, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये वसीम अकरम ये बड़े बड़े जो हमारे क्रिकेटर्स है
वो भी यही कहते हैं कि ये डेलेस की जो पिचेस है और ये दूसरी भी इसकी अमेरिका की पिच है, बॉल बड़ा रुक के आता है और नीचे आता है। ड्रॉप इन विकेट होंगी ना, इनकी खासियत यही होती है, ये जो है ना थोड़ी सी बॉल रुक के भी आती है, लो बाउंस विकेट होती है, एक मौके पे स्पिनर्स को भी सपोर्ट करती है। तो अगर हमें वो माहौल मिल गया अमरीका के अंदर, अगर हमें लग गए क्या विकेटें हमें दुबई की मिल गई, हम लोग हो सकता है एकदम चीता बन जाए। अच्छा शोएब भाई, अभी हम नाज़रीन को एक शॉट भी दिखा देते हैं कि जनाब बाबर आजम से एक सवाल हुआ उनकी पॉडकास्ट पे पीसीबी की। अच्छा बाबर आजम ने ये कहा है कि भाई इनका पहरी जो असा सेमीफाइनल पहुंचासी, उनका पो असा फाइनल पहुंचासी, हाँ जो ख्वाब असा जो यो है असा ट्रॉफी घटे करे पाकिस्तान ईंदासी, यो जनाब चयो बाबर आजम। आई असा सभी के बैक करण खपे, असा सभी के पैंकी टीम के सपोर्ट करण खपे। जी शोएब भाई, बाबर आजम तो बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं जैसे बैट कर। ख्वाहिश है, वही बात अभी तुमने की ना, हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी एक कम निकली। यार उसके पीछे एक मेहनत, एक आपका जज्बा भी तो नजर आए ना, आप सिंसेरिटी के साथ मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप जो लड़के लेके चल रहे हो जिन पर आप इतना टाइम लगा रहे हो, वहां तो आप देखो ना, वहां पर हमें फ्लॉ लग रहा है ना टीम के अंदर, हमें लग रहा है कि यार शादाब को नहीं होना चाहिए, तो शादाब का आप सवाल दो कि किस वजह से उसको बैक किया जा रहा है। तो शोएब मुझे ये बता दें कि अब अगर शादाब नहीं, अगर आजम खान नहीं, तो कौन? यार अभी भी देखो ना, थोड़ी बहुत तो समझ हम भी क्रिकेट की रखते हैं ना, जिस तरह मैं तुमसे मुसलसल, तुम अपने एक हफ्ते के स्लॉट देख लो, मैं मुसलसल कह रहा था कि जनाब ओपनर जो है ना अल्टीमेटली बाबर और रिजवान ही जाए। अब ये लग रहा है कि बाबर रिजवान नहीं तो फखर, जब ये तीन प्लेयर ये आ जाते हैं एक तो मुझे फखर का चौथे नंबर पर आना समझ में नहीं आता। सही, फखर ओपनर है या वन डाउन है, ये आ जाते हैं तो आप परफॉर्म कर रहा है बंदा, फिर भी अच्छी बात है वो दल गया कंडीशन है। तो T20 के अंदर एक मेरा पॉइंट नोट कर लो, सबसे अहम पॉइंट है शुरू के 6 ओवर। सही बात, और 6 ओवर में जिस टीम ने 70-80 रन कर लिए होते हैं, 15-20 रन, अब तो 6 ओवर में 60 रन भी मतलब इतनी अहमियत नहीं रखते, नहीं रखते मतलब आपने 15-20 रन एक्स्ट्रा कर लिए, वही 15-20 रन आपको जिताएंगे। अच्छा पाकिस्तान का ये मसला रहा है, अब जैसे बाबर रिजवान ओपनिंग करते हैं तो पहले के 6 ओवर तो बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन 6 से 11 ओवर तक का जो एक मरला होता है वो हम वहां पे लेकर मिडिल ऑर्डर का आ जाता है ना, हमारे जैसे फील्ड खुल जाती है तो वो बड़े शॉट खेलने जाते आउट हो जाते हैं, तो वो तो ना वो मिडिल ऑर्डर का हमारा ये मसला चल रहा है ना, नीचे हमें मिल कौन रहा है, हमें इफ्तिखार मिल रहा है, हमें शादाब मिडिल ऑर्डर बना दिया, देखो शादाब अपने आप को इफ्तिखार अहमद का क्या मसला, यानी 5-6 साल हो गए, मसला 5-6 साल हो गए, 63-64 T20 मैचेस खेल चुके हैं, 50 प्लस उसकी एज है, भले ठीक है वो कहता है कि वो जनाब वो 34-35 के हैं, वो नजर एक उम्र दे दी है क्रिकेट को, वो 1000 रन भी नहीं कर सके, तो यार बहुत टाइम हो गया ना, मतलब इससे ज्यादा तो अब आप नहीं लगा सकते। मैंने उस दिन भी कहा था भैया अगर आपको प्लेयर्स नजर नहीं आ रहे, आपके पीएसएल के लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, आप सऊद शकील को ले आओ ना यार, आप लेकर आ जाओ वो लड़के, आपके वो लड़के जो कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, लड़के वही आपके काम आएंगे कि जो आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आएंगे। सही बात है, वो लड़के मेहनत करना भी जानते हैं, वो लड़के कमबैक करना भी जानते हैं, और ये जो पीएसएल के लड़के आते हैं इनके पास कमबैक करने का टाइम ही नहीं होता ना, ये कहां जाके ट्रेनिंग करेंगे, किधर से सीखेंगे ना, ये कहीं सीख ही नहीं पाते। तो तुम उस पर सवाल कर रहे थे फिर किसको होना चाहिए यार, साइम को आप, मुझे लगता है कि साइम की अभी यूटिलिटी है, साइम की जरूरत है ना, साइम आजम खान को एटलीस्ट बाहर कर दे आप, आजम खान का समझ में नहीं आता, और आप जो मिस्ट्री स्पिनर लेके गए हो उसका क्या कर रहे हो यार अभी। मुझे लगता है कि ये दो चेंजेस जो है ना, एक वो तो उनका ये कहना है कि भाई टीमें जो है देख लेंगी इस बंदे को, हम थोड़ा सीक्रेट रखते हैं वाइल्ड कार्ड की तरह से ना, इस्तेमाल करेंगे कि वो खामोशी से वर्ल्ड कप में बगैर प्लेयर घर ले आएंगे क्या उसमें, तो मुझे उस पर लगता है कि जनाब आप उसके बदले जो है ना ये दो चेंजेस आप कर दो जो आपकी टीम खेली थी, और आप एक उसको साइम को रखो और आप उसको लेकर आ जाओ, आपके अबरार अहमद, अबरार अहमद और सैम को आप चाह रहे हैं कि आजम की जगह और शादाब की जगह अबरार, सिंपली तो सैम आप ये चाह रहे हैं कि छठे नंबर पे, पांचवे छठे नंबर, देखो चार तक तो बैट्समैन होगा ना, पांचवा आपका ठीक है इफ्तिखार खेल रहा है, आप छठा ओपनिंग सही है बाबर और रिजवान, बाबर रिजवान वरना फखर को ले आओ, बाबर अगर कहता है कि मैं वन डाउन आना हूं तो इन तीन प्लेयर्स का इन तीनों नंबर में से किसी में भी आ जाना, तो यार हमें 6 ओवर में वो बेस्ट प्लेयर चाहिए। देखो होता क्या है के शुरू के ओवर्स के अंदर जो है ना एक खराब बॉलर को तो एक आम बैट्समैन भी मार लेगा, मार देगा बिल्कुल, मगर कमाल काम ये होता है कि एक अच्छी बॉल को जो है ना बाउंड्री में या छक्के में कन्वर्ट करना, वो एक अच्छा प्लेयर ही होगा, अच्छा प्लेयर बैट्समैन कर सकता है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आप हल्के प्लेयर को भेज दो, यार वो अच्छी बॉल खेल ही नहीं सकता,
आपके अच्छी बॉल खेलने वाले कौन है? अच्छी बॉल आपका बाबर खेल सकता है ना, अच्छी बॉल आपका रिजवान खेल सकता है, अच्छी बॉल आपका फखर खेलना जानता है ना, फखर अच्छी बॉल पे भी छक्के मार देता है। बिल्कुल सर। अब आपके यंगस्टर ये पीएसएल के प्लेयर ही अच्छी बॉल पे आउट हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आजम खान का ये बड़ा कहा जाता है कि स्पिनर्स के खिलाफ इनका अच्छा स्ट्राइक रेट भी, अच्छी एवरेज भी है, तो ये पिचेस जो स्पिन फ्रेंडली भी होंगी वेस्ट इंडीज में, तो वहां पर काम आएंगे। एक चीज बिल्कुल खुल के सामने आ गई है ना, आजम खान को चलो आपने ये सलाहियत मान ली कि स्पिनर्स को खेलता है, अब आजम खान की ये परफॉर्मेंस देखते हुए मैं तो नहीं समझता कि आप उसको कीपिंग कराओ। और जब आजम खान अगर कीपिंग नहीं करेगा तो फील्डिंग में किधर आएगा, में किधर आएगा फील्डिंग, और अगर बैटिंग करेगा तो टीम्स जान चुकी है कि भाई शॉर्ट इन बॉल दो उसको। अच्छा, फिर दूसरा ये कर आपने उसको कीपर बना दिया, वो क्या नाम इंग्लैंड की जहां पर एक इक्वल बाउंस के साथ बॉल आती है वहां पर वो बॉल उससे नहीं पकड़ी जा रही है, तो यहाँ तो अनइवन बाउंस होगा उसमें, ड्रॉप इन पिचेस, तो ये उस पर एक मसला आजम खान की उस पर सवाल खड़ा होता है। बहरहाल वहां पर टूर सिलेक्शन कमेटी जो है ना वो उसको बहरहाल देखेंगे। अच्छा, एक प्रोग्राम के तवज्जो से हमारा प्रोग्राम जो सोशल मीडिया पे एक्स जो सोशल मीडिया का फॉर्मर ट्विटर था उस पर लोग देखा जाता है और मुस्तकिल लोग हैं वहां पर हमारे, जिस तरह एक जमील हैं, शहजाद जमील हैं, वो मुस्तकिल देखते हैं प्रोग्राम को, सराहते हैं, रिजवान मौलिम है, एक शाइन स्टाइन है, तो ये लोग जो है ना फैसल हुसैन है, ये हमारे मुस्तकिल प्रोग्राम को देखते हैं, कमेंट्स भी करते रहते हैं, और इनके अलावा कई हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि हमें यूट्यूब पे भी देखते हैं, फेसबुक पे भी देखते हैं, बल्कि शाइन स्टाइन ने तो कल मुझसे शिकायत भी करी थी, कल जो हमने पॉइंट उठाया था कि जनाब वो एक पंजाब असेंबली में जो करारदाद आई थी तो सिंध असेंबली में भी आना चाहिए, तो वो असल में शाइन स्टाइन ने एक ट्वीट किया था सोशल मीडिया पर, तो वो बात मेरे जहन में रिफ्रेश हो गई थी, तो मैं शायद याद होगा 2019 के अंदर वर्ल्ड कप के बाद पंजाब असेंबली में करारदाद आ गई। अच्छा अच्छा। तो वो शाइन स्टाइन ने ट्वीट किया था वो तो जब सरफराज जो मुसलसल हारा था, तो उसके तीन मैचेस हारा था, बाकी तो सारे जीता था, तो वहां उसके बाद कप्तानी से हटा दिया गया, तो फिर शाइन स्टाइन ने कहा कि शो भाई ये कम से कम मेरा प्रोग्राम में आप शुक्रिया तो अदा कर देते। अच्छा अच्छा। मैंने कहा यार बहुत शुक्रिया तुमने ये पॉइंट याद कराया। तो ये हमारे सब व्यूअर्स हैं जो हमसे मोहब्बत। आपको शोएब क्या लगता है कि अभी अगर बाबर आजम हार जाता है, फॉर सपोज हारे ना, खुदा ना खास्ता हार जाए, लेकिन हम तो दुआ करेंगे जीत जाए वर्ल्ड कप, लेकिन अगर हार जाता है तो आपको समझ ये लगता है कि सिंध असेंबली में कोई करारदार पेश आएगी? यार ये तो मकसद फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे, आना तो चाहिए ना, तो हम आनी चाहिए ना, जब हमारे अगर सिंध के बच्चों के साथ आप ज्यादती कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसको सपोर्ट कौन करेगा, उसके लिए आवाज कौन उठाएगा, यहाँ के लोग देखो पूरा पाकिस्तान के बच्चे हमारे बच्चे, बिल्कुल हमें तो किसी से भी नहीं, चाहे वो केपीके से आए, चाहे वो पंजाब से आए, कहीं से भी आए ना, हम तो बोल रहे हैं ना अगर कराची का एक बच्चा खेल रहा है तो हम तो उसका जबरदस्ती कर, लेकिन एक बंदे ने आपको चैंपियन ट्रॉफी जिता के दे दी, तब भी आप उनके खिलाफ करारदाद हैं जो पेश करेंगे, लेकर आ रहे हो, तो वो तो बड़ा एक गैर अखलाक की आपने काम किया था ना, वो टीम का कप्तान था, वो सिर्फ एक क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं था, पूरे मुल्क की टीम का कप्तान था, वो कराची का या सिंध का कोई कप्तान नहीं था। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में जो ग्रुप स्टेज पे बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस भी होंगे, जैसे आप देखेंगे अभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच आप देखेंगे, और कल जो मैच है बहुत बड़ा अफगानिस्तान और युगांडा का मैच, तो आप कैसे देखते हैं इन मैचेस को? देखो ये इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, ये जान के रखी जाती है, टूर्नामेंट की जान होती है, जान होती है बिल्कुल ये। अब बाकी ये युगांडा और अफगानिस्तान का तो यहाँ से पता चलेगी, अफगानिस्तान अगर ये बिल्कुल युगांडा को वन साइडेडली हरा देती है तो ये तुम देखना ना अलार्मिंग होगा। अच्छा, अगर कोई भी टीम, अफगानिस्तान वैसे अच्छी टीम है, अफगानिस्तान बिल्कुल अच्छी टीम है, अफगानिस्तान बड़े जोश के साथ खेलती है, और वो ऐसा खेलती है कि जो लड़ाई हो रही है कुफार के खिलाफ, वो मसल उस जज्बे से जो पर्सनल ले लेते हैं, वो बिल्कुल उसको पर्सनल लेके, उनको लगता है कोई ये जंग चल रही है, अभी भी वो यूएसए बैठे हुए हैं, उनकी आर्मी बैठी हुई है, हम जो है उनको भगाने के लिए जंग करेंगे। अरे हद कर दी, आप क्रिकेट खेलने क्रिकेट की तरह खेलें, वो एक उनका जो है ना वो बाई बर्थ जो है उनके जीन्स के अंदर जो है ना ये मकसद जुनूनियत जो है ना शामिल है, अब चाहे वो मजहब के हवाले से, स्पेशली जब पाकिस्तान सामने आती है थोड़ा ज्यादा निकलता है उनके अंदर वो हम तो, हमें तो बहरहाल बीइंग अ पाकिस्तानी वो बड़ा गलत लगता है कि हमें लगता है कि हमने अफगानिस्तान को जब जब जरूरत पड़ी है हमने किसी, और अभी भी सिक्योरिटी जो बढ़ा दी गई है पाकिस्तान इंडिया की मैच के लिए, तो वहां पे भी इन लोगों की थ्रेट्स होंगी, और इतना एंटी हैं और क्यों वो, हालांकि वो इंडिया को वो इतना सपोर्ट करते तो भैया अफगान महाजिर फिर बुला लेना इंडिया, बिल्कुल सर हमने जो इतने रखे हुए हैं तो फिर इंडिया चले हैं, तो ये एक सियासी वो बहस जाती है। अच्छा, मैच जनाब इनका नागिन डांस वालों का भी अच्छा होता है, श्रीलंका और बांग्लादेश का भी, ये भी एक अच्छा मैच होगा ग्रुप बी से। हाँ, अब ये डांस की हद तक ही रह गए, मतलब वो नहीं वैसे राइवलरी बन गई है। अभी भी आपने सीरीज देखी होगी, बड़ा वो एक दूसरे को चिढ़ा भी रहे थे,
अच्छी अच्छी मैच क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा रहता है। मकसद जिस तरह हमारे पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट जो कम हो गई है, तो शायकी ने क्रिकेट को इस दौर के अंदर वो क्रिकेट देखने को नहीं मिली जो कि एक जमाने में हमने देखी थी। इंडिया पाकिस्तान के मैच जो होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, अब जनाब ग्रुप बी में, ग्रुप ए में जो इंडिया पाकिस्तान है, ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, ग्रुप सी से आपको वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की मैच बड़ी तगड़ी दिखेगी, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की अच्छी दिखेगी, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान की। उसका ग्रुप डी में जो है श्रीलंका और बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। तो मेरे ख्याल से एक और बात है शोएब भाई, आपसे डिस्कस करेंगे ब्रेकअप जो वापस इंदाजी ब्रेकअप शोएब साहब से डिस्कस करना थी ग्रुप डी जे हवाले से, जिसमें साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और नेदरलैंड एंड नेपाल है। साउथ अफ्रीका की आईसीसी थोड़ा फेवर दिन हुआ छाकाणे साउथ अफ्रीका अलावा जो चार टीमों कमजोर लगन ग्रुप में। ब्रेकअप नाजिन इंदाजी ब्रेकअप ग्रुप्स से गाल करना थी आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, स्पोर्ट्स अवर तारीख रहा है, मिलूंगा ब्रेकअप। वेलकम बैक नाज़रीन, तारीख रहा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर, आऊं आया सूरज कुमार। अस ग्रुप्स ते गाल कई पे ब्रेकअप पेरी, तो आईसीसी जेका वर्ल्ड कप में ग्रुप्स ठाया वया, जेमे ग्रुप ए में इंडिया पाकिस्तान आयरलैंड कैनेडा यूएसए, ग्रुप बी में जेका है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नेमीबिया स्कॉटलैंड ओमान, ग्रुप सी में न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान युगंडा पपुआ न्यूगिनी, ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका श्रीलंका बांग्लादेश नेदरलैंड नेपाल। बया जेका ग्रुप आन ग्रुप ए बी सी उनमें तो ठीक है, जो कुछ टीमों वो भराए रात जो नजर अचे पे तो वह सुपर एट में पहुंची वेंद, पर ही जेका ग्रुप है ग्रुप डी जेका तमाम आसान ग्रुप नजर अचे तो साउथ अफ्रीका ला है, उस पर बात करेंगे शोएब साहब से। शोएब भाई बाकी तो ठीक है, एक में इंडिया पाकिस्तान है, एक में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है, एक में न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान है, ये वाला ग्रुप बड़ा आसान लगता है अफ्रीका के लिए, श्रीलंका बांग्लादेश नेदरलैंड नेपाल। बाजायर तो आसान ग्रुप है मगर इसमें नेदरलैंड को तुम हल्का यूं ना लो कि नेदरलैंड की वो टीम है कि जिसकी वजह से हम आखिरी टी ट्वेंटी के फाइनल में जो हम पहुंचे थे नेदरलैंड ने हराया था ना उसको साउथ अफ्रीका को। हाँ नेदरलैंड ने बिल्कुल इंग्लैंड को भी हराया था, इंग्लैंड को भी हराया था एक दफा भाई आखिरी मैच में था ना, हम तो बिल्कुल हारे बैठे हुए थे, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो जब सुबह सो के उठे तो पता चला नेदरलैंड ने काम कर दिया, नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को अभी भी एक ओडीआई वर्ल्ड कप में भी नेदरलैंड ने अपसेट किया है किसी बड़ी टीम को, हम साउथ अफ्रीका को या इंग्लैंड को, इंग्लैंड को किया है, इंग्लैंड को किया। मैंने अभी इससे पहले कल वाले प्रोग्राम में जब बात कर रहा था, ये नेदरलैंड के ये हॉलैंड के जो ये प्लेयर हैं ये बड़े प्रोफेशनल प्लेयर, टी ट्वेंटी में कुछ भी हो सकता है। हाँ और ये जब बैटिंग करते हैं जब बॉलिंग करते हैं बड़ी शानदार वो बॉलिंग। नेपाल की टीम कैसे देख रहे हैं? नेपाल की टीम में वही मकसद जिस तरह इंडिया में क्रिकेट हुआ, नेपाल के पास तुम्हें सुना टी ट्वेंटी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाईएस्ट स्कोर का। अच्छा हाँ, बीच में जो अभी हुआ है अभी इसी साल में पता नहीं से 300 प्लस कर गए थे, छोटी बाउंड्री थी कोई छोटी, अब छोटी बाउंड्री तो आईपीएल में तो होती है, उससे तो छोटी बाउंड्री कहीं भी नहीं है, 45 और 50 यार्ड पर आ गए, उससे तो कहीं भी नहीं। ये हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड जो है ना ये अपना नेपाल के पास है, बहरहाल वो अभी इतनी बड़ी टीमों में तो नहीं आती, और नेपाल के साथ एक इशू भी चल रहा था जो इनका एक मेन संदीप लेश है। हाँ उसको वीजा नहीं मिली अभी तक, नहीं मिली, नहीं दिया ही नहीं उसका वीजा। अच्छा। उसके साथ ये था कि वो नेपाल के अंदर काठमांडू में किसी होटल में हैरेसमेंट का उनपे रेप केस था, रेप केस के अंदर वो उसको, लेकिन वो तो भरी हो चुका था फिर अदालत तो हो चुका। मैंने एक दफा बताया नहीं था कामरान अकमल उसके मोहम्मद आमिर का जो वीजा था हालांकि भरी हो चुका था ना आयरलैंड के अंदर, लेकिन उन्होंने वीजा सबसे लेट दिया था, तो उनका फिर कोई भी आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड और क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहे हो तो फिर आपको एक फेस करने पड़ते हैं पूरी जिंदगी फिर फेस करना। हाँ तो वो एक जमाने में मोहम्मद आसिफ पे दुबई के अंदर पाबंदी लग गई थी, उसको वीजा नहीं मिलता था, तो ये एक इशू है। तो इस पे जो कहा कि बहरहाल ग्रुप है हल्का, बाजार तो यही नजर आता है कि जनाब ये यहाँ से साउथ अफ्रीका और श्रीलंका चली जाएगी। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका लगता है कि चलेगा, बांग्लादेश का कोई चांस नहीं है, बांग्लादेश का तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश से बेहतर शायद जो परफॉर्म करेगी वो टीम नेदरलैंड कर लेगी। अच्छा बांग्लादेश से भी बेहतर करेगी वो टीम, मेरा ख्याल है क्योंकि बांग्लादेश की दिल तोड़ने वाली बात होगी हमारे बंगाली फैंस हैं। इवेंट में मुझे एक ही आईसीसी इवेंट में बांग्लादेश की परफॉर्मेंस नजर आती है वो 1999 के वर्ल्ड कप में, बल्कि हम हरा क्या था हम जान के हार गए थे बांग्लादेश, हाँ वसीम अकरम कप्तान थे, जान उसमें भी जान बूझ के हम लोग जब 99 के वर्ल्ड कप जिसमें फाइनल पहुंचे थे, जिसके फाइनल में पहुंचे थे उस मैच की हमारे लिए कोई अहमियत ही नहीं थी, सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुके थे तो हम वो हार गए थे। उसके बाद बांग्लादेश ने 2007 के वर्ल्ड कप में जिसमें हमें आयरलैंड ने हराया था, एक बार बांग्लादेश ने इंडिया को भी हराया 2007 के वर्ल्ड कप में, हम दोनों बार हो गए थे, मतलब पहले हम बार हुए तो हम तो रोना पीटना मच गया, क्या हो गया वर्ल्ड कप शुरू हुआ नहीं, खत्म हो गया 2007 का वर्ल्ड कप। हाँ। अगले दूसरे दिन जो है ना
बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया, तो हमने कहा चलो बांग्लादेश कभी भी चलो वो बराबर हो गया, क्यों इंडिया भी हार गई तो हम भी हार गए तो ठीक है। तो वो बांग्लादेश एक ही दफा वो इवन एशिया कप नहीं जीत सकी, एशिया कप ही बांग्लादेश एक दफा फाइनल में शायद पहुंची थी, पाकिस्तान नहीं हराया था, पाकिस्तान ने 12 में 2012 में आखिरी ओवर में पाकिस्तान को कुछ रन चाहिए थे, तो शायद अफरीदी की बड़ी अच्छी इनिंग थी, हाँ बैटिंग थी, तो उसमें वो जीत गए थे, रुला दिया था हमने बंगाली उस दिन, उस दिन तो वो बाकी वो हंसते हंसते एकदम रो पड़े थे। तो उसके अलावा बांग्लादेश है ना कभी भी, हालांकि इतना तजर्बा हो गया, अच्छे प्लेयर भी मिले, मगर वो क्रिकेट के अंदर जो है ना कोई मकाम अभी तक बना नहीं सके। अच्छा शोभा, इनको कैसे देख रहे हैं, ये स्कॉटलैंड है ग्रुप बी में, इस टीम को कैसे, नामीबिया और स्कॉटलैंड का बड़ा अच्छा मुकाबला होगा, ठीक है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है उस ग्रुप में। अच्छा, नामीबिया के अंदर एक बताओ एक प्लेयर है डेविड वीजे, जो कि साउथ अफ्रीका से भी खेलता है और नामीबिया से भी खेलता है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान के पीएसएल में आता है, लाहौर की तरफ से खेला, तो वो अच्छा। उसके अंदर आपको प्लेयर जो ना वही मिलेंगे कि जो साउथ अफ्रीका में जिम्बाब्वे में जो क्रिकेट खेलते हैं ना, वहां पे कौन सा मसला है सर पता नहीं, वहां से ज्यादातर जो है प्लेयर दूसरे मोबाइल के लिए खेलते हैं, सुना है कि वहां पे ये एक रूल है कि 6 बंदे गोरे होंगे, 5 जो आप साउथ अफ्रीका के अंदर तो प्लेयर है, बिल्कुल ये एक रूल है वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से ज्यादातर गोरे जो है ना चले जाते हैं, जो है ना फिर वो निकल जाते हैं, कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी रूल है कि जब से यहाँ पर हुकूमत चेंज हुई थी, वरना साउथ अफ्रीका का तो नस्ल परस्त मुल्क इसी वजह से कहा जाता था, तो कालों को बिल्कुल अलग ही रखते थे उसमें से, तो ये कहा जाता है कि 6 गोरे खेलेंगे 5 काले खेलेंगे, एक रूल बना हुआ है, अब ये रूल बन गया है, चाहे कितना भी गोरे जो है ना टैलेंटेड हो लेकिन 5 काले खिलाने, बिल्कुल बिल्कुल, ये अजीब लगता है कि ना एक कोटा जो है ना मख्तस कर दिया उन्होंने, तो वहां पर तो इसकी वजह से जो ना प्लेयर जो है ना फिर इधर उधर शिफ्ट कर जाते हैं, तो ये अभी भी कनाडा और यूएसए की टीम में ज्यादातर साउथ अफ्रीकन भी थे, फिर निकल जाते हैं ना प्लेयर वहां पर, इधर तो ये इसके आसपास ही मुल्क है नबी भी, या तो यहाँ पर लड़के वही होते हैं जो जिम्बाब्वे में भी खेल रहे होते हैं, अपना साउथ अफ्रीका में भी, स्कॉटलैंड को कैसे देखते हैं सर, स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड की बड़ी फर्स्ट क्लास टीम होती है, स्कॉटलैंड देखो वहीं पर इंग्लैंड के अंदर ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, और आयरलैंड की टीम हो स्कॉटलैंड की टीम हो क्या नाम है इंग्लैंड की अलग टीम हो जाए, ये क्रिकेटर तकरीबन वही होते हैं, इनके आप प्रोफेशनल एबिलिटी पे कोई इनका सवाल नहीं कर सकते। और पाकिस्तान वाले ग्रुप में आपको ये लगता है कि एक तो इंडिया है ही तगड़ी टीम में, पाकिस्तान को कॉम्पीट कर सकती है, उसके अलावा कौन सी ऐसी टीम है आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हमें जो थकाएगी पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर, तो अब तो वो ऑस्ट्रेलिया नजर, वो यूएसए जो है ना वो सबको नजर आ रही है, आयरलैंड जो हम पहले आ चुके हैं हमें थका सकती है, वरना तो हमें लग रहा था कि नहीं यार इंडिया पाकिस्तान अगर हम एक मैच इंडिया से हार भी गए तो हम तो मेरे ख्याल आईसीसी वाले भी सर जोड़ के अभी बैठ चुके होंगे, उन्होंने ये सोचा होगा यार ये दोनों जाएंगे आगे वास्ते, आगे तो आना अगर तुम लोग ये पहले राउंड में चले गए तो हमारा तो भट्टा बैठ जाएगा, ये नुकसान कौन पूरा करेगा। सही बात है, उन्होंने बड़ा प्लानिंग के साथ इनको अलग से रखा गए ग्रुप में, दो अच्छी टीमें बाकी कचरा डाल दिया, अभी कचरा ही खेल रहा है ये दो टीमें, तो अब पता चला इनमें से कचरा उठ के ऊपर आ गया तो ये तो टूर्नामेंट ही बैठ गया, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और करते चले कि अमेरिका का जो है ना जिस तरह हमने कल भी बात की थी, मुझे इतनी वहां पर अमेरिकन गवर्नमेंट का, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर और वहां पर इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है ना इतनी इन्वॉल्व नजर आ नहीं रही, मेरे ख्याल से लोगों को भी नहीं पता होगा कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, ये इंडिया और पाकिस्तान इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, है भी नहीं। अच्छा ये खेल ही कहलाता है कि जनाब वो गोरों का बास्केटबॉल वहां पर, कौन सा दूसरा एक गेम है जो भी है वहां पर, वहां पर रग्बी का बड़ा वो है बास्केट बेसबॉल, बेसबॉल वो समझ रहे हैं कि ये बेसबॉल का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उनको पता ही नहीं है क्रिकेट का। वेस्ट इंडीज के अंदर जो क्रिकेट की कमी हुई है, देखो वेस्ट इंडीज जो है ना मुख्तलिफ जजायर पे बन के एक टीम बनती है ना, तो वहां पर जो पहले लंबे प्लेयर होते थे ना क्रिकेट में फास्ट बॉलर आते थे, तो अब उनको वहां पर फ्यूचर नजर आ दिया बास्केटबॉल में, वो लंबे लंबे प्लेयर जाते हैं, उनको पैसा भी बेतहाशा मिलता है, तो वहां से लोग जो है ना अमेरिका आके, और इससे ये फायदा होगा अगर ये कामयाब होता है टूर्नामेंट, लोगों को पता चल जाता है यूएसए में कि ये भी कोई गेम है क्रिकेट है, अगर यूएसए जैसी टीम भी अगर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आती है या सीरीज होती हैं अच्छी टीम निकल आती है, तो क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। ऐसे क्रिकेट वहां पर देखो यूं हो गए ना, वहां पर एशियन प्लेयर्स इतने चले गए, वहां पर इंडियन भी ताश है, उसके बाद पाकिस्तानी बांग्लादेश के श्रीलंकन, तो ये लोग जहां भी जाएंगे, ये मकसद क्रिकेट लविंग नेशन है, तो जब वहां पर एक जनरेशन वहां पर पैदा होगी पलेगी बढ़ेगी तो 25-30 साल बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अमेरिका में भी आप क्या देखते हैं, जैसे पैट कमिंस ने तो कह लिया कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया है उसके बाद हम बाहर में जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि फोर क्या टीम है, कह देते कि यार एक तो पाकिस्तान है, बाकी तीन टीमें कोई भी आ जाए, तो पाकिस्तान तो आ जाए और अल्लाह करे। अच्छा मैं उस पर एक बात रह गई थी कि भैया जो कुछ इन्होंने डरावना ख्वाब देखा ना उसको भूल जाए, इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको पॉजिटिव लें, उस हार से आपने बिल्कुल नसीहत पकड़नी है,
जो कुछ हुआ, स्ट्रेटेजी आप अच्छी बनाए। टीम आज भी मैं कहता हूं कि हमारे कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि यार ये सही बात कि ये कोई अच्छा नहीं है, बड़ा प्लेयर नहीं है ना। हाँ। ये कॉम्बिनेशन जिस दिन अच्छा बनेगा, ये सब के सब परफॉर्म करेंगे। अच्छा, पूरे मैच में 11 प्लेयर ने परफॉर्म भी नहीं करना होता ना। सही है। एक दो बॉलर ने परफॉर्म करना है, कुछ बैट्समैन ने चल जाना है। तो आप उस दिन प्रॉपर क्रिकेट खेलें, आप यूनिटी का मुजाहरा करें, आपस में अगर कोई इख्तलाफात है उसको साइड पे रखें, तो आप जीत हो गए। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। पहला मैच हमारा यूएसए के खिलाफ है, तैयारियां जो अब जारी है, इंट्रा स्क्वाड जो है गेम्स खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये भी सही एक तरीका है? ठीक है, वार्म अप मैच जो हमारी नहीं हुई, इंग्लैंड के खिलाफ भी हमारी वो वाली तैयारी तो नहीं हो सकी क्योंकि बारिश ने बड़ा मजा खराब कर दिया ना दोनों मैचेस में। तो ये सही है, इंट्रा स्क्वाड भी खेलें, पता चल जाएगा कंडीशंस का भी। बिल्कुल, कंडीशन का पता चल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और वहां के उससे आप माहौल से भी आशना हो जाओगे। हाँ। तो उससे बहरहाल फर्क तो पड़ेगा। और आपस में फिर जब वो लड़के जेल होके खेलते हैं तो आपस में जो भी अगर थोड़ी बहुत दूरियां हो रही है वो आप सबसे पहले तो उनको दूर करना है। अच्छा शोएब भाई, एक और बड़ी खबर जो हमारे साथ है आई है वो ये है कि जनाब श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड ने कंप्लेंट की है आईसीसी से क्योंकि उनको साथ साथ 8-8 घंटे फ्लाइट्स के लिए वेट कराया जा रहा है और गर्मी बहुत ज्यादा है फ्लोरिडा में। तो ये कंप्लेंट्स का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है, अभी तो वर्ल्ड कप बहुत दूर है। ये तो ये कह रहे हैं जैसे कंप्लेंट आई है तो शुरू से इसी पे तो हैरान गई है ना कि यार अमेरिका जैसे मुल्क से, ये पाकिस्तान से अगर कंप्लेंट आती तो अभी दुनिया का मीडिया जो है ना उठ खड़ा होता, मौसद कितनी आईसीसी बातें करता, कुछ करता। अब यहाँ पर अमरीका सरकार इन्वॉल्व है तो शायद इतनी बातें नहीं हो पा रही। और ये अमरीका अच्छा फैसिलिटी का ये कहा जा रहा है कि बाकी टीमों को जो ग्राउंड्स दिए गए हैं ना उसके लिए प्रैक्टिस के लिए वो बहुत दूर दिए गए हैं होटल से। इंडिया का जो ग्राउंड है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करे वो बिल्कुल होटल के साथ दिया गया। ये तो इंडिया देखो ना, ये काम हर टीम का अपना जो वहां पर टूर मैनेजर होता है ना, हाँ। ये अरेंज करना उसका काम होता है ना। तो अब इंडिया के टूर मैनेजर ने अपना मुकदमा अच्छी तरह से आईसीसी की तरफ से नहीं दिया जाता। आईसीसी वहां पर तो फिर आप जाते हो ना, आपका हाँ। टूर मैनेजर वहां पर ये देखेगा कि यार इस तरीके के होटल है, तो वो अप्रूव करना उनके टूर मैनेजर का काम होता है ना। तो वो फिर अपनी शराइत रखता है कि नहीं यार हमें होटल ये वाला चाहिए, हमें फलाना चाहिए, हमें ये चाहिए। इंडिया तो इस पोजीशन पर है ना, वो तो बिल्कुल बार्गेन करके बात करता है। अब अगर दूसरी टीमों के टूर मैनेजर ने आज ये लोग शिकायत कर रहे हो तो भैया ये तो पहले से डिसाइड हो गया था ना, आपकी कंप्लेन तो उस टाइम बनती। आज आप वहां पर चले गए, पहुंच गए, आप कह रहे हो तो भैया वो तो उन्होंने बता दिया होगा ना कि यार ये 20 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है। तो ये बहरहाल वो टीम की अपना, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सबको जो है ग्राउंड से थोड़ा दूर दिया गया था होटल, लेकिन इंडिया की एक कंप्लेंट आई थी आईसीसी को पहले पहले कि भाई हमें करीब दो, तो उनको दे दिया गया। तो देखो ना, ये मैं ये तो कह रहा हूँ ना, इंडिया ने अपना मुकदमा इस पे अच्छा लड़ा, अच्छा दूसरी लड़ा। टीमों ने अच्छा लड़ा क्या जनाब, वो तो पैसा चले देते हैं। आईसीसी ने उन्होंने कह दिया कि हम तो इतना दूर नहीं जाएंगे, उन्होंने कह दिया कि जिस शहर में हम एक दफा चले गए उस शहर से हम कहीं भी मैच खेलने नहीं जाएंगे, उनके सारे के सारे मैचेस जो है ना न्यूयॉर्क के अंदर है। सही, जब वो सुपर एट में जाएंगे तो फिर बारबाडोस जाएंगे या किधर जाएंगे, वहां जाके वो यानी सारे मैचेस उन्होंने एक ही सिटी में रखे, वहां पर उन्होंने खेल गए, वहीं पर उनका होटल होगा, वहीं पर ही वो सारी के सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो फिर उनका अपना उनकी मैनेजर का कमाल है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है जनाब। आखिरी में ये बात करते हैं कि बाबर की जो मुलाकात हुई है सुनील गावस्कर से, अच्छा माहौल है आपस में, गर्म जोशी से मिले और सुनील गावस्कर ने जो है बेस्ट विशेष भी दी बाबर को, अभी से एक बन रहा है माहौल इंडिया और पाकिस्तान के। यार ये मुलाकातें 9 जून का बड़े प्लेयर से, साबका बड़े प्लेयर से होती रहना चाहिए। एक जमाने के अंदर अजहरुद्दीन 85 में 86 के अंदर पाकिस्तान आए थे, अजहरुद्दीन जैसे ही आए थे ना उन्होंने शुरू के पता नहीं 3 टेस्ट मैचों में 3 सेंचुरियां मार दी थी इंग्लैंड के खिलाफ। तो एकदम पाकिस्तान का टूर शुरू होता है 87-88 का, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, उनसे बैटिंग नहीं हो रही थी। तो वो फिर ज़हीर अब्बास से जाके मिलते हैं, फिर ज़हीर अब्बास उनको टिप्स देते हैं कि यार मुझे लगता है कि तुम्हारा बल्ला जो है ना हल्का है, तुम ऐसा करो अभी भारी बैट इस्तेमाल करो तुम्हारा, आप यकीन करो। उसके बाद उसके अगले इनिंग के अंदर उसने कोई 80-90 रन किया, उसके बाद फिर वो अजहरुद्दीन ने शुक्रिया अदा किया। अच्छा। तो बड़े प्लेयर जो होते हैं ना वो ऐसे नाम के बड़े प्लेयर नहीं होते, उनके पास बड़ा तजुर्बा होता है। बिल्कुल, तो आपका अगर कोई छोटी मोटी गलती, एक दफा शीन वॉन तस्करा करता है कि जब शुरू शुरू में मैं आया था मैं अब्दुल कादिर से मिलने गया और अब्दुल कादिर ने मुझे गुगली, अब्दुल कादिर गुगली के बादशाह थे, मतलब दोबारा। लेकिन एक बड़ी शिकायत रहती है मुश्ताक अहमद से क्योंकि वो गए इंग्लैंड और उसको सिखा दिया और उनको फारिग कर दिया इंग्लैंड ने भी, यानी कुछ तो बंदा अपने पास टैलेंट रखता है ना, वो गया अब्दुल राशिद को सिखा के आ गया कि भाई वो कैसे करते हैं। दूसरा
हाँ वहां से इंग्लैंड इनको फारिग कर दिया, भाई अब तो हम सीख के जाओ। सकलेन की बात करो, मुश्ताक अहमद, मुश्ताक अहमद को फारिग कर दिया। नहीं अब ये तो, अब देखो बोर्ड बोर्ड का इनको प्लेयर को भी सोचना चाहिए। बहरहाल वहां पर अगर उन्होंने ऐसा किया तो बिल्कुल गलत किया। अब जिस तरह मैं चीन वान की तुमसे बात कर रहा था तो अब्दुल कादिर से मिले, बाकायदा शुक्रिया अदा करता। अच्छा। अब्दुल कादिर के लिए कह रहा मुझे फ्लिपर मारना, काफी चीजें अब्दुल कादिर ने बताई। अच्छा। तो अब अगर ये वो बाबर आजम गावस्कर से मिले हैं तो गावस्कर क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। काश अपना जो अब्दुल कादिर अपने बेटे उस्मान कादिर को थोड़ा सिखा के जाते। वो तो अब कुछ के बच्चे नालायक भी थे तो वो बच्चा नालायक निकल गया। मोइन खान का भी बेटा जैसे नालायक निकल गया। मैंने तो उसका नाम रखा राइट आर्म फुल टॉस बॉलर। वो फुल टॉस के अलावा करता ही नहीं है। ये दो नालायक निकले, एक तो आजम खान और आजम खान ने बस वो बच्चा आए अपने आप को बेहतर करे, परफॉर्म करे, वो जाके अपना पिज्जा वीजा खाए, जाके बर्गर वर्गर खाए, क्या क्रिकेट में वेट उसका बहुत ज्यादा हो गया। देखो क्रिकेट में भी वो कम कर सकता है ना, आज कम करे, पेशेंस करे, मगर जो स्टैंडर्ड आपने दूसरों के लिए रखा है वो सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल इसका मयार जब आपने दूसरों के लिए रखा है तो वो सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल सर, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम होता है सर, आपका बड़ा शुक्रिया। और वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह ऐसे जो प्रोग्राम्स हम करते जाएंगे और पाकिस्तान से भी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो ये वर्ल्ड कप जीते। 21 में हमने सेमीफाइनल खेला, 22 में हमने फाइनल खेला, इस बार तो जनाब ट्रॉफी की बारी है, वो लेके आएंगे घर। नाज़िर बाबर आजम जो यही चवण हाँ जो ट्रॉफी खड़ी ईंदी पाकिस्तान ईंदी ट्रॉफी खड़ी ईंदी न तो ईंदी कौन ऑन द लाइटर नोट। बहरहाल नाज़िर सुबह मिलदी तीन अज वाली मैच से भी डिस्कस कंदी जो श्रीलंका साउथ अफ्रीका खेलना 7:30 बजे पाकिस्तान के वक्त मुताबिक। कड़ी टीम की खटे अज मैच में इंट्रस्टिंग यो मैच थो तो बई टीमों ऑलमोस्ट जो है बराबर जो श्रीलंका एक दफा चैंपियन भी रही चुकी है 2014 में। तो हाँ ऐसा अज वाली मैच केर तो खटे सुबह मिलता है तभी का गुड 5 बजे आवाज़ टीवी तेस तक दिसना रहो प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर। पंजो ख्याल रखो, मुझे दिना इजाजत। अल्लाह हाफिज़।